Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the maturation of monocytes. Monocytes basically mature होते हैं from the bipotent stem cell. इसे हम bipotent क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी fate जो है ना वो हम describe नहीं कर सकते exactly, क्योंकि ये दो तरह की fate show करता है. ये जो है monocyte में भी develop हो सकता है, ये neutrophil में भी develop हो सकता है, ठीक है. अब ये जो bipotent stem cell है ये convert हो जाता है monoblast में. मोनोब्लास्ट में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म एक ग्रैनुलर होता है, उसमें ग्रैन्यूल्स मौजूद नहीं होते. अब मोनोब्लास्ट जो है ये माइलोब्लास्ट से किस तरह डिफरेंट है ये हमें पता चलता है साइटोकेमिकल स्टेन्स की हेल्प से. अब मैच्योर मोनोसाइट्स जो होते हैं ना उन्हें हम मैक्रोफेजिस कहते हैं. मैच्योर मोनोसाइट्स क्या करते हैं, ब्लड से निकलते हैं और टिश्यूज़ में चले जाते हैं, वहाँ पर वो डिवेलप हो जाते हैं मैक्रोफेजिस में. मैक्रोफेजिस का काम क्या होता है, उन्होंने फैगोसाइटोसिस करनी होती है, ठीक है. और मैक्रोफेज बनते ही मोनोसाइट का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा हो जाता है और सेल्स जो हैं ये कई महीनों के लिए रह सकते हैं टिश्यूज़ में. और इनको हम स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, हिस्टियोसाइट्स. सो हिस्टियोसाइट्स क्या हैं, ये मैच्योर मोनोसाइट्स हैं जो ब्लड को लीव करते हैं, टिश्यू में एंटर हो जाते हैं, मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं. इनका सेल जो है वो इलाज हो जाता है और ये टिश्यू में काफ़ी टाइम के लिए, महीनों के लिए रह सकते हैं. सो इनको हम क्या कहते हैं, हिस्टियोसाइट्स. इसके अलावा एक और बात, जो मोनोसाइट्स होते हैं ना इनका कोई रिजर्व पूल नहीं होता. रिजर्व पूल क्या मतलब, जैसे हमने पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल्स का रिजर्व पूल होता है बोन मैरो में और सर्कुलेशन में कुछ न्यूट्रोफिल्स मौजूद होते हैं, लेकिन मोनोसाइट्स का रिजर्व पूल जो है वो नहीं होता. ये डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं पेरीफेरल सर्कुलेशन में, वहाँ पर ये सर्कुलेट करते हैं 12 से 14 आवर्स के लिए. उसके बाद डायबिटीज होती है, माइग्रेशन होती है और ये टिश्यू में चले जाते हैं ब्लड वेसल्स को छोड़ के. अब टोटल वेस्कुलर पूल यानी ब्लड वेसल्स में कितने मोनोसाइट्स मौजूद हैं वो इक्वल होता है जो फ्रीली सर्कुलेटिंग है और जो डायबिटीज कर रहे हैं, ठीक है. मार्जिनेटिंग मोनोसाइट्स भी जिन्हें हम कहते हैं, और मार्जिनेटिंग मोनोसाइट्स जो होते हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं फ्रीली सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स से. अब मोनोसाइट फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं, हमने कहा कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर होके मैक्रोफेज में. और मैक्रोफेज का फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और सेलुलर डेब्रिस की. इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिन्हें साइटोकाइंस कहते हैं. और साइटोकाइंस जो है वो लिम्फोसाइट के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लिम्फोसाइट को सिग्नल देते हैं कि बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस आ गया है, ठीक है, जिसको अगर मैक्रोफेजेस कंट्रोल ना कर सके तो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्पेसिफिक डिफेंस की, जो कि इम्यून सिस्टम है. इसके अलावा जो मोनोसाइट्स हैं ना ये एक और जगह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर, प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू द लिम्फोसाइट्स. अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल एंटीजन आती है, मोनोसाइट्स जो है वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हुए होते हैं, वो एंटीफेज को एक फॉरेन पार्टिकल के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको एंगल्फ कर लेते हैं. एंटीजन जो है वो मोनोसाइट के अंदर आ जाती है. अब ये जो मोनोसाइट्स हैं जिन्हें हम मैक्रोफेजिस कह रहे हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन जाते हैं, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो हैं ये जाते हैं टी सेल्स के साथ, टी लिम्फोसाइट्स के पास, ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं एंटीजन के अगेंस्ट. इस तरह मोनोसाइट्स जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स जो हैं वो किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं.